राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वानों ने सरकार को उनकी घोषणाओं की याद दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उनका उद्देश्य आंदोलन करना नहीं बल्कि सरकार से अपनी मांगें मनवाने का है, जो उन्होंने अतिथि विद्वानों से की थी। इन्हीं मांगों को लेकर अतिथि विद्वानों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है और उनका कहना है कि सरकार यदि अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती तो उन्हें आगे आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। ग्यारह सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री निवास मार हम लोगों के लिए जो सीएम साहब ने जो बुलाया था हम लोगों को एक घोषणा की थी उस समय पंचायत में, तो आज एक साल से ज़्यादा हो गया तो उन घोषणाओं का कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन सबको याद दिलाने के लिए या आज हम शांतिपूर्वक आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रदेश स्तर के लोग यहाँ पर आए हैं, तो हमारा मतलब ऐसा कोई विरोध करना भी नहीं है शासन से, केवल शांतिपूर्वक हम निवेदन ही कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। बोला गया था महा पंचायत बुलाकर कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, इन्हें नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, इनका फिक्स वेतन 50,000 रुपए दिया जाएगा और इनकी सेवाएं 65 साल तक निरंतर जारी रहेंगी। फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उन्हें अंदर लिया जाएगा, वो अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई, उसी को लेके आज हमारा यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इससे हम सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं।